सो वेलकम बैक गाइस, की हालचाल? सब तो फुल सारे बढ़िया होंगे। बासी इन यूके एंड यूरोप पार्ट 1 स्टैंड अप कॉमेडी फीचरिंग अनुभव सिंह बासी। आज असली चैनल से चुपर पांदा ही नहीं, आजकल पता नहीं की चक्कर है। बीपी है बासी। यहाँ पे वो टॉर्च लेके कोई भी घूमता सिर्फ निकाल। खुद ही ढूंढनी पड़ती है यहाँ पे, हिंदुस्तान में इतने खाली लोग मिल जाए। सरा मस्त जगह रहते यार तुम लोग तो, इतनी दूर आए टैक्स देने। शर्म नहीं आ रही है? वहां लोग बोलते लंदन में मजे करें, साले बर्तन धो रहे हैं। हाँ भाई सही बात है, हम तो कमाई नहीं रहे, हम तो छुपिए फिर रहे हैं। हमारे 20% भी कोई और चला रहा है, रैंकिंग ला रहे हैं। किसी के मन में कोई बात है मन में रख ली, ठीक है? मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। लाइव शो का मतलब ये नहीं है कि हम बातें करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है? शो ऑलरेडी बहुत लंबा है मेरा, तो फटाफट शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है वेन्यू को 1000 रुपये और दो करते रहो, ठीक है? ये बाहर से ताला मार के सबको ही छोड़ जाएंगे हमें। और फिर मैं तुम्हें फनी मिल लूंगा 2 घंटे बाद, ठीक है? तुम्हें मारोगे मुझे पकड़ के, ठीक? अरे कहाँ जेब चली गई? मीटिंग से करियर बनाया मेरा ने। नहीं मतलब ये एक्चुअली मैं अभी भी अंदर बैठ के, ये यूरोप की बच होती है बस, जो मेरे साथ पिछले 1 महीने से हो रहा है। मुझे आखिरी शो इसके बाद इंडिया का तो कर नहीं पाऊंगा ये सब। चलो मतलब रहते तो मस्त जगह तुम लोग, हो गया मुझे भी 1 महीना तो यूरोप और यूके यहाँ जैसा भी मतलब बढ़िया है। कहा था ना मन में रखनी बात। अभी वही ट्राई कर रहा था कि कौन जूते निकलेगा। इतनी दूर आ गए हो वीजा लगवा के भाई, कुछ तो यहाँ भी वही फील आ रही है कि गुड़गांव में। जो सच है सच है, तू समुद्र के रास्ते से आया। बाकी सब तो लग रहे हैं वीजा वाले, ठीक है? हाँ जगह तो बढ़िया लगी मुझे काफी, बस थोड़ा सा मौसम को बता दो कैसे रहना होता है, बाकी सब परफेक्ट है यहाँ पे। समझ ही नहीं आ रहा घर से क्या पहन के निकलना। 1 महीना हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा, शर्ट पहन के निकलूं, हुडी डाल लूं, नंगा भागू करूं क्या? बारिश थोड़ा सा टाइम लेती है, पहले बताती है कि मैं होने वाली हूँ, फिर हो जाती है। यहाँ बता ही नहीं है कुछ भी, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ हो रही है। मेरी चलते चलते सिगरेट बुझ गई। एक तो एम्स्टरडम आया था, तो एम्स्टरडम बहुत बढ़िया जगह है। लगता है बस सुना ही था, मैं तो वहां जाके होता था ना। एक तो पूरे एम्स्टरडम में मुझे कोई नहीं पहचान रहा, मुझे और भी मतलब बहुत खुश था इस बात से कि चलो मस्त घूम रहे हैं, कोई इंडियन नहीं मिला। पर मैं सोच रहा 3 शो बिके हुए हैं, आएगा कौन शो? ऐसा सोच रहे किसी ने मेरा काट दिया है भाई। मैं रेड लाइट एरिया में खड़ा था, कुछ तो निहार रहा हूँ। साइड में से एक बंदा कह रहा सर बिग फैन, मैंने कोई जगह पहचानने की। अपने ना सारे यार हमारी सेल्फी में वो लड़की आई है जिसे देख रहा था मैं।
बस जगह से डैम भाई सब वो कोई मिल गया वाला स्कूटर ले घूम रहे कोई मिल गया वो पहली बार मेरे साइड से निकला मेरे मुंह से निकले मैंने जा दो और लेंडर मेरे सारे लाइसेंस मांग रहे हैं उसके लिए उससे किस में टक्कर मार दूंगा मैं और टक्कर मार भी तो चोट किसे लगेगी मुझे ही ना मेरा मुंह तुड़वाने के लिए कौन सा लाइसेंस है मैंने चला के देखा उसे हल्का सा चौड़ा नहीं बना सकता था वो हाँ दोनों पैर रख लेता मैं ऐसे ये खड़ा है उस पर बैलेंस नहीं बना मुझसे तो बट ठीक है एम्स्टरडम मेरे भाई किसी के वहाँ बुड्ढे भी नशे कर रहे हैं वहाँ मैंने देखे बुड्ढे बुढ़े लोग माल फूक के भाग रहे सड़क पे उनके कोई कैल्शियम की कमी नहीं हो रही एक तो मुझे वहाँ पे भी मैंने मैंने हल्का सा फूका मुझे पता चला कि इंडिया में तो बूट पॉलिश दे रहे हैं एम्स्टरडम के आगे कोई जगह थी वहाँ पे सुंदर सुंदर सी विंड मिलती है वहाँ पे हमने फूका मैंने तो इतना सही फूका था तो पहले तो विंड मिल बंद थी वो फिर जो वो घूमी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे एक साथ घूमने मजा आ गया बैग चोरी हो गया हमारा पहले दिन हो गया था आते ही वापस मिल गया पासपोर्ट मिल गया लैपटॉप मिल गया वो आदमी सिर्फ कैश लेके चला गया हैं डायरी तो मेरे पास मेरा बैग नहीं था अंकुर भाई का बैग चोरी हुआ अंकुर भाई डायरी लेती रहती गंदा था उसमें और चोरी मतलब ट्रेन में चोरी हुआ एम्स्टरडम से फ्रैंकफर्ट जा रहे थे शोकर्ट में तो पहले स्टेशन पर चोरी हो गया तो फिर चोरी भी क्या हो गया यार बैठे हुए यहाँ से ले गया बंदा हमें बहुत देर तक तो समझ में नहीं आया कि चोर होशियार है कि हम फुद्दू हैं यहाँ से कौन चोरी करके ले जाता है यार वो तो एक घंटे बाद अंदर भाई ऐसे बोले कि थोड़ा रद्दी गंदा हो जाए फिर उन्होंने देखा तो नरेंद्री ना गंदा जा चुका था सब एक तो चोरी जहाँ हुआ ना पहले स्टेशन पर चोरी हुआ एम्स्टरडम से निकलती और हमसे उस स्टेशन का नाम नहीं लिया जा रहा हम यही नहीं बता पा रहे चोरी का हुई है हम कह रहे इन द ट्रेन फर्स्ट स्टेशन टीटी आया भाई टीटी की शक्ल देख लग रहा है इतनी चुराया पार्ट टू भी जीती आ जाएगा चलो कैंट जी छोटी जी गल पूरा मतलब मजेदार है बासी बहुत कैंट चीज है बासी छोटा जा पाता पर मजेदार है तो उम्मीद है छेती पूरा पूरा पार्ट भी आएगा जो दूजे चैनल मेन बाकी सत श्री अकाल।